तो दोस्तों इस समय भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है मालदीव की तरफ से। और भले ही इस समय चीनी समर्थक राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारत का विरोध करने में लगे हुए हैं, परंतु इन्होंने एक साइडलाइन तरीके से भारत को एक बहुत ही बड़ी कैंपेन से बचाया है। दरअसल आप सभी को पता ही होगा कि मोहम्मद मोइजू चुनाव इसलिए ही जीते थे कि इन्होंने भारत के विरोध प्रचार किया था। इन्होंने कहा था कि हम जब अपनी सरकार में आएंगे तो भारतीय सैनिकों को मालदीव से बाहर निकाल देंगे, और इसी शर्त के चलते ये चुनाव जीते थे। परंतु आप सभी को बता दूं कि मोइजू इंडिया आउट कैंपेन को चलाने वाले तो जरूर थे, परंतु इंडिया आउट कैंपेन के पीछे असली जो चेहरा था वो था अब्दुल्ला यमीन का, और अब्दुल्ला यमीन की ही तरफ से मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन को चलाया गया था। परंतु भारत के जो मित्र थे राष्ट्रपति, जिनका नाम इब्राहिम मोहम्मद सोलेह जी है, उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन को मालदीव के अंदर प्रतिबंधित कर दिया था, और इस प्रतिबंध को जो मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं वो भी निभा रहे हैं। अब इसको लेकर मोहम्मद मोइजू और अब्दुल्ला यमीन के बीच में तनातनी बढ़ चुकी है, क्योंकि अब्दुल्ला यमीन चाहता है कि एक बार फिर से मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन को भड़काया जाए, लोगों को सड़कों पर लाया जाए ताकि चीन को खुश किया जा सके और चीन से और पैसा मिले और मालदीव पूरी तरीका से एंटी इंडिया हो जाए। परंतु जो प्रतिबंध लगा हुआ है इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर, उस प्रतिबंध को मोहम्मद मोइजू हटा नहीं रहे हैं। और स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो कि मालदीव के नए राष्ट्रपति की तरफ से इंडिया आउट कैंपेन के ऊपर से प्रतिबंध ना हटाने के कारण अब्दुल्ला यमीन नए राष्ट्रपति के ऊपर बहुत बुरी तरीका से भड़का हुआ है, क्योंकि यह सड़कों पर उतरकर भारत के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करना चाहता है। और प्रतिबंध ना हटाकर इस प्रकार से मालदीव के नए राष्ट्रपति भारत विरोधी प्रदर्शनों को एक बार फिर से मालदीव में होने से रोक रहे हैं, और इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की एक बड़ी डिप्लोमेटिक पावर भी है, जिसके कारण से मालदीव के नए राष्ट्रपति नए प्रकार से भारत से पंगा लेना नहीं चाहते।